देर पहले हम ऊपर टॉप का पूरा व्यू देख सकते थे। हमने लिया डोसा वड़ा, हेलो फ्रेंड्स, तो आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। तो ये है सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज, और फर्स्ट एपिसोड में या तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा तप्त पानी, देन मॉनेस्ट्री, तिब्बतीन मॉनेस्ट्री, देन खसड़ा और एक बीएन पैलेस जो कि पारला खेमुंडी में है। तो आज का प्रोग्राम ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं महेंद्रगिरी। एक्चुअली ये कल ही होने वाला था बट हम लोग लेट हो गए थे, इसलिए हमने थोड़ा प्रोग्राम में चेंज किया है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये इको डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से टू व्हीलर को 50 रुपीज एंट्री फी है। अगर आपको नेचर पसंद है तो दिस इज द प्लेस फॉर यू। घाट रोड है और काफ़ी लंबा घाट है, 8-7 किलोमीटर वाला, और ये है लास्ट पॉइंट महेंद्रगिरी का जो कि हम बाय रोड आ सकते हैं, बट यहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हैं, कुछ और मंदिर हैं। तो ये है कुंती मंदिर, ये उड़िया में लिखा हुआ है। तो ये ब्रेकफास्ट हमने पार्सल ले लिया था नीचे गांव से, क्योंकि ऊपर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, सिर्फ ट्यूबवेल है जहाँ आपको पानी, जहाँ आप पानी पी सकते हैं। तो ये देखिए भाई साहब खा रहे हैं। हमने लिया डोसा वड़ा, सो यहाँ पे ये है युधिष्ठिर मंदिर। यहाँ से आप व्यू देखिए, है ना जबरदस्त। तो वो सामने लिखा हुआ है भीम मंदिर, तो भीम जी का भी मंदिर है यहाँ पे।
तो हम अभी बादलों के बीच में हैं। सो ये ऊपर आप जा सकते हैं, और भी काफी मंदिर हैं आगे। हम यहाँ से जाएंगे वो साइड जहाँ पे कुछ और बंदे दिख रहे हैं ना, तो वो साइड जाएंगे और वहां से नीचे उतरेंगे, गाड़ी लेके फिर निकलेंगे। तो मुझे याद आ रहा है ऐसा ही एक ट्रैकिंग मैंने किया था पुणे में। ओ ये स्लिपरी है, ये मतलब काफ़ी पहले किया था, 2010-11 में शायद। तो आप अगर आते हैं यहाँ पे, जो मैंने रास्ता दिखाया ना, वो रास्ता ऊपर तक जाता है, तो ऊपर भी एक मंदिर है। वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, मुझे दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा है क्या, नहीं मुझे डाउट है। तो आप जा सकते हैं वहाँ पे, ये आपके फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है और टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और आपने डे का प्लान कैसा किया है। हमने जैसा प्लान किया है डे का, उसके हिसाब से ये ट्रैकिंग हमें अलाउ नहीं करता है, मतलब हमारा प्लान हमें ट्रैकिंग के लिए अलाउ नहीं करता है। तो हम लोग अभी जाएंगे, तो ये देखिए ये जो मंदिर है वही युधिष्ठिर मंदिर है, और भीम मंदिर एरो मार्क लगा हुआ है, इट मींस वो ऊपर ही है। आई थिंक वो जो ऊपर वाला मंदिर है वो भीम मंदिर ही होगा, तो हम लोग तो वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये नेचुरल ब्यूटी काफ़ी अच्छा है, ये देखिए आपको ये बादल फ्लो दिख रहा होगा, तो हम लोग वही बादलों के बीच में ही हैं। तो ये देखिए बादल फ्लो हो रहे हैं और काफ़ी ठंडा लग रहा है। तो ये जो एरिया है ये फुल ऑफ नेचर है, माउंटेन्स, ग्रीन्स, ग्रीनरीज, टेम्पल। तो यही सब को मिला के है महेंद्रगिरी। तो ये है महेंद्रगिरी पर्वत हम लोग जहाँ पे हैं। तो ये पीछे देखिए पूरे बादल छा गए हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर पहले हम ऊपर टॉप का पूरा व्यू देख सकते थे, और अभी सिर्फ 2 या 3 मिनट ही हुआ है, 2-3 मिनट में अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी अभी धीरे धीरे बादल हट रहे हैं, अभी थोड़ा दूर तक व्यू आ रहा है। आप ये मानसून टाइम में ही आइए और यही टाइम पे ये सब आप मज़ा ले सकते हैं।